जिंदगी में मुझे दो नारंग मिले, एक सुमित नारंग और एक दूसरा वो क्या नाम है उसका, वो दूसरा है वो राजस्थान का नरेश नारंग और सुमित नारंग, मतलब के दोनों हवाबाज। हेलो ए दीपा, दीपू ए दीपू दीपू ए दीपू बाबू चड्डी में कुछ घुस गया है क्या? ए दीपू बाबू, मुझे लगता है कि ये दीपू की चड्डी में कुछ घुस गया है इसलिए ये बोल नहीं पा रही। ए दीपू 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 ए रंडी, अभी भी ये कुछ नहीं बोल रही, तो ये 100% फेक आईडी है। निकल रंडी, देखो ये मादर तो डर तो होते नहीं, आइडिया चिमटा के चले जाते हैं भोसड़ी वाले, लाइव की माँ चुज जाती है। मेरे दिल पे धड़कनों पे तूने जादू कर डाला, इश्क में बे बे इश्क में बे बे इश्क में बे बे तू एक प्याला, इश्क में बे बे इश्क में बे बे तू है मेरा गर्म मसाला। आ जाओ भाई, ये किसको ऐड कर लिया? ये आइडिया चिमट गई है क्या बहनचोद? सापारा रॉयल आ जाऊं। सापारा रॉयल आ जाओ। ये भी है ना बहन कुंज, हाँ चुज गई सपारा रॉयल। अरे यार ये कोई एड ही नहीं हो रहा है, क्या करूं बताओ? आइडिया चिमट गई है क्या बहन चौथ? दो आइडिया तो चिमट गई है। मतलब यार तुम लोग अपने घर पे बैठे हो बहन चौथ, मैं यहाँ पे अमेरिका में बैठा हूं, फिर भी सोचो भाई तुम लोगों की कितनी गौंड पड़ती है सिर्फ एक वीडियो कॉलिंग कन्वर्सेशन पे। तो बहनचोद तुम लोग बहनचोद रियलिटी में क्या घंटा तुम किसी को फेस कर पाओगे? बहनचोद तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना कतई बहनचोद दो कौड़ी का है तुम लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस के बहनचोद एक बंदे से तुम है ना बात तक नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए भाई, और मतलब के
जो फालतू की बातें बोलता है वो नरेंद्र मोदी भाई, इंडिया यंगेस्ट इंडिया, यंग लोगों का देश भाई, यंग लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, साले मुर्दे है सब वहां पे। बहनचोद मतलब एक बात करने की औकात नहीं है तुम लोगों की, क्या लौड़ा तुम लोग बहनचोद अपनी जिंदगी में खुद के लिए कोई स्टैंड ले पाओगे? एक बंदा ऐसा नहीं आता लाइफ पे जो बहनचोद मतलब एक अच्छी कन्वर्जेशन कर पाए, बस मादरचोद फेक आईडी बना के आ जाते हैं, फालतू की गालियां लिखते रहते हैं। देखो ये बड़वे का नाम है रॉक रोहित, बताओ रॉक रोहित, देखो बड़वे ने डिक्लाइन कर दिया। ये होती है तुम लोगों की औकात। चलो ये कौन है दूसरा, कृष्णा शर्मा आ जा भाई, कृष्णा शर्मा आ जा भाई, शर्मा जी के लड़के, ए शर्मा जी के लड़के, ए शर्मा जी के लड़के, ये भी बैंड का लैंड नहीं हो रहा। बहन चोत शर्म कर लो तुम्हारी बहन की चोत तुम्हारी, तीन आइडिया चिमटा दी मादर चोत तुम लोगों ने। सालो विकी चौधरी, विकी चौधरी आ जा भाई, विकी चौधरी, विकी चौधरी, ये देखो ये भी बड़वे ने डिक्लाइन कर दिया। बैंचो इसीलिए है ना, इसीलिए बैंचो सही में भाई, इसीलिए लिए तुम नल्ले लोगों के बहनचोद घरों में माँ बहने सेफ नहीं है। तुम बहनचोद अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तुम अपनी माँ बहनों का क्या लौड़ा स्टैंड लोगे? बताओ बहनचोद, ओसरी वाले सिकंदर राजचूत आजा भाई, सिकंदर राजचूत आजा, सिकंदर राजचूत, ये देखो भाई ये भी ऐड नहीं हो रहा। सिकंदर राजचूत आजा भाई, सिकंदर राजचूत, ये भी भोसड़ी वाला ऐड नहीं हो रहा है, बताओ। सिकंदर राजचूत चिमट गया, वो मादरचोद दो कौड़ी का शर्मा जी का लड़का भी चिमट गया, और एक दो कौड़ी का अक्की चौधरी था वो भी चिमट गया। बहन के लौड़े ये बहन का लंड कौन है अभी, ऊपर आ तू, हाँ भाई ऊपर आ,
दानिश भाई जिंदा होते तो मां चोद देते आज। हेलो हेलो फादरलैंड। हेलो तेरे गले में खली के टट्टे फंस गए क्या भोसड़ी के? गोंड फोड़ दूंगा। निकल तेरे माँ की चूत तेरी। मादर चो थे का आइडिया बना बना के आ जाते हैं भैन के लंड। रश्मि मिश्रा आ जाओ बे। रश्मि मिश्रा नहीं, ये तो शर्मा है। हेलो हेलो हेलो, हेलो। और रश्मि कहाँ से हो? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, इंदौर से हो? जी हाँ, और क्या करती हो इंदौर में? जॉब करती हूँ। अच्छा, जॉब करती हो, मतलब आईटी सेक्टर में हो या हॉस्पिटल में जॉब करती हो, मतलब किसी बैंक बैंक में जॉब नहीं, करती हो, कहाँ पे जॉब करती हो? मैं ज्वेलरी के उसमें करती हूँ, ज्वेलरी ब्रांड में। ज्वेलरी प्लांट, मतलब के ज्वेलरी का प्लांट क्या कब से होने लगा भाई? ज्वेलरी का ब्रांड कुशल ब्रांड होता है, कुशल ब्रांड आपने सुना होगा। अच्छा, मतलब के ये किसी रॉन्ड के लिए तुम काम करती हो? नहीं, प्लीज मुझसे ऐसी बात ना करो, मैं ऐसी लड़की हूँ मुझसे अरे मत। दीदी, अरे दीदी यार, तुम मतलब बुरा मत मानो यार, मैं थोड़ा तोतला हूँ ना, तो मेरा सबको पता है यार, तुम मेरी लाइव देखती हो तो तुम्हें पता नहीं है मैं थोड़ा तोतला हूँ ना दीदी, इसीलिए। क्या जी हुआ? मुझे पता नहीं कि आप मजाक करते हैं। आप नहीं, मजाक नहीं करना, मैं सही में तोतला हूँ थोड़ा, तो इसीलिए मतलब। तोतले तो नहीं हो, आप तोतले तो नहीं हो आप। मैं आपकी कम से कम 6-7 साल से लाइव देख रही हूँ, और सुहाना कौन दीदी तो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। जानती है तुम्हें? सुहाना दीदी अच्छा, सुहाना जानती है तुम्हें? यस। अच्छा, मतलब कैसे वो तुम्हें जानती है, मतलब तुम उसके मौसी की लड़की हो के चाचा की लड़की नहीं, हो? इंस्टाग्राम से जानती है वो मुझे। अच्छा, आजकल है कहाँ पे वो? अब ये तो आपको पता होगा, आपकी क्लोज है 21। वो। अरे मुझे क्या पता वो कहाँ पे डोल रही होगी, तुम उसको जानती आपकी हो तो जीएफ तुम्हें है पता तो होगा आपको ना कि पता कहाँ पे नहीं, है वो। आपकी जीएफ है तो आपको पता नहीं, आपके पास में ही है। अच्छा, मतलब मेरे पास में ही है वो? और क्या, अभी तो आप मिले थे 15 दिन पहले। अच्छा, तुम्हें बहुत ज्यादा सब कुछ पता है, जितना मुझे पता नहीं मेरे बारे में, इतना तो ज्यादा तुम्हें पता है। सबको पता है, लाइफ में सबको पता है कि सुहाना दीदी आपकी जीएफ है। अच्छा, मतलब सबको पता है कि सुहाना मेरी गर्लफ्रेंड है? यस, आप खुद ही लाइव चलाते हो, जब मिलने जाते हो तो आप खुद ही लाइव चलाते हो, आप दिखाते हो, तो पता नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे नहीं दिखाना चाहिए ना। यस अच्छा,
चलो ये तो मेरी बात हुई। अब देखो मेरा तो क्या है, मैं तो जहां पे जाता हूँ वहां पे मेरी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होती ही है, ठीक है। जैसे कि हाँ जी, मैं कसिनो में भी चला जाता हूँ तो वहां पे भी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है। जैसे कि फिर मैं कोई हाँ जी, शॉपिंग मॉल में चला गया, कहीं घूमने के लिए चला गया, तो देखो मेरा कैसा है कि मतलब समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से चीजें बदलती रहती है, समझ रही हो। हाँ जी, हाँ तो चलो मेरा तो, मैं तो मतलब एक पवन का झोंका हूँ, कभी इधर कभी उधर, मेरा तो सब कुछ चलता रहता है। तुम अपना बताओ, मतलब कितना कमा लेती हो दीदी तुम महीने का, ये तुम्हारा जॉब करके? मैं 22 से 26 हजार रुपए कमाती हूँ। अच्छा, 22 से 26 हजार रुपया एक अच्छी सैलरी होती है, मतलब अच्छा पैसा कमाती हो तुम तो। मेरी और सैलरी अच्छा, है 22 हजार और इंसेंटिव मिला के 26 हो जाते हैं मुझे। तो तुम्हें काम क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, मुझे मॉल में जॉब करती हूँ, मैं सेल्समैन का काम करती हूँ, ज्वेलरी वगैरह दिखाना, ज्वेलरी से पिना के ये। अच्छा, मतलब मॉल में जो वो, हाँ, अच्छा। तो फिर तुम्हें कुशल तो, कुशल ब्रांड। अरे फिर तुम्हें तो मतलब कोई बड़े शहर में जाना चाहिए, तुम्हें तो मतलब आउट ऑफ तो कंट्री। इंदौर सर बहुत बड़ा है, मनोड़ी भैया आपने भी देखा होगा, इंदौर बहुत अच्छी सिटी है। और मुझे इंदौर में मेरे मदर फादर है, तो मैं इंदौर छोड़ के क्यों जाऊं। यार मैं सच बताता हूँ दीदी, मतलब हाँ जी, सही में मैं यार, आपसे छोटी हूँ दीदी, मत बोलो, नाम ले लो। छोटी हो तो क्या दीदी नहीं हो सकती तुम? छोटी हो तो क्या तुम दीदी नहीं हो सकती? अरे तो नाम लेके बोलो दीदी भी, दीदी बड़े बड़ी होती तो आप मेरे को दीदी बोल लेते। यार सही में इंदौर मेरा मतलब बहुत देखने की बचपन से इच्छा रही है कि मैं इंदौर इन तक बहुत जाऊं। अच्छी सिटी है, इंदौर बहुत अच्छी सिटी है, आपका वेलकम है, एक बार आओ आप घूमने आओ। मैं वही बोल रहा हूं कि मेरा बचपन से मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन तक जाऊं, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने भी मुझे इन नहीं होने दिया। जैसे ही इन होने की मैं कोशिश करता हूं तो लोग मुझे बोलता है कि दूर दूर दूर। नहीं, आपको वेलकम है, आप इंदौर आओ। तो फिर मुझे तुम इन करने दोगी? मैं आपसे मिलने आऊंगी ना, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड मैं दोनों मिलने आएंगे ना आपसे। अच्छा, तो साथ में मतलब चलो मतलब तुम तो अब मैरिड हो, तो अब तुम्ही से क्या क्या जी ही अब तुमसे गीला सीखवा। तो दीदी तुम्हारी शादी को कितना महीना हो गया? अभी मेरी शादी को 2 साल हुए अच्छा, 2 साल हो गए। भाई जी, नवंबर में कंप्लीट होंगे, आवाज से मतलब नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। आवाज से तो तुम मतलब 19-20 साल की लग रही हो, इतनी छोटी एज में तुमने कैसे शादा मना लिया? ना, मैं 19-20 साल के नहीं हूँ, मैं 28 की होके कंप्लीट 29 में लगी हूँ अभी। अच्छा, 29 में लग गई तुम। जी यस, अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, चलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी 2-3 दिन थैंक पहले तुम्हारा यू सो मच। जन्मदिन था तो मतलब हैप्पी बर्थडे तो बोलना बनता है ना। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये जीजा जी क्या करते हैं हमारे? वो भी मेरे साथ जॉब ही करते हैं। मतलब जीजा भी तुम्हारे साथ मॉल में ही जॉब करते हैं? यस, दोनों ब्रांड में ही करते हैं जॉब। अच्छा, मतलब एक ही शोरूम में तुम काम करते हो? नहीं, उनके शोरूम 95 शोरूम है उसके, तो यहाँ पर 5-6 शोरूम है, तो अलग अलग शोरूम में जाना आना रहता है, वहां पर करते, अच्छा, अलग अलग मॉल में रहता है। तो तुम भी जॉब पे जाती हो, जीजा जी भी जॉब पे जाता है, तो फिर ये बच्चे की देखभाल कौन करता है? बच्चे
नहीं है, अभी बच्चे नहीं है, अभी बच्चे की प्लानिंग नहीं है, हम दो ही बच्चे बहुत है अभी। अच्छा, अभी तक बच्चे की प्लानिंग नहीं की है तुमने? नहीं, अभी हम दो खुद बच्चे हैं, अभी पहले अपना लाइफ तो संभाले, फिर बच्चे को संभालेंगे। पहले अपने पैर पे इतना तो खड़े हो जाए कि बच्चे को इतना कर पाए। अच्छा, मतलब यार देखो, पैर पे तो खड़े रहना क्या है, देखो बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, ठीक है। अब वो तो भगवान की होते हैं, देन को लेकिन ये आजकल के बच्चों का खर्चा भी तो ऐसा ही है, पैदा होने से तो उतना हम अपने उस पे तो रहे कि हाँ बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके पहले, उसके बाद बच्चे की प्लानिंग करेंगे। अच्छा, मतलब यार देखो दीदी, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन अगर इंडिया में जितने भी शादीशुदा लोग हैं, जो यंग कपल है, सब लोग ये सोचने लगे, तो फिर यार 140 करोड़ से हमारा देश तो 40 करोड़ का ही रह जाएगा, अगर सब लोग ऐसा नहीं तो सोचने ऐसा लगे तो। थोड़ी ना, नहीं तो हम सबकी सोच एक जैसी नहीं होती ना, हमारी सोच अलग है। पहले अपना फ्यूचर अच्छा रहेगा तो बच्चे का फ्यूचर, और फिर बच्चे को कम से कम अच्छी सी परवरिश तो मिलेगी, उसको कोई चीज से परेशानी तो नहीं होगी ना। जैसे लोगों ना आते हैं आपकी लाइफ पर, कोई के बच्चे भूखे मर रहे, कोई के पढ़ाई नहीं कर रहे, कोई के क्या कर रहे, कोई पैसे, तो वैसे नहीं करना ना हमें। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा ड्रीम क्या है, मतलब तुम जिंदगी में क्या करना चाहती हो, मतलब क्या गोल क्या है तुम्हारा? मेरा गोल ये है कि आज मेरी 26,000 सैलरी है, कल हाँ मेरी सैलरी अच्छी हो जाएगी जब मैं अपने लाइफ में बच्चे की प्लानिंग करूंगी, और उसके बाद मैं आगे देखो, का सोचूंगी। आगे का मत सोचो, देखो जो आगे का जो सोचता है ना, वो कभी पीछे का नहीं सोच पाता, समझ रही हो? स्मोक सुन और जिन लोगों ने आगे का सोचा ना, वो लोग हमेशा पीछे ही रहे हैं। और तुम्हें पता होगा कि सब लोग बोलते हैं कि भाई देखो, लोग सलमान के पीछे भागते हैं, शाहरुख खान के पीछे भागते हैं, प्रियंका चोपड़ा के पीछे भागते हैं, ऐश्वर्या राय के पीछे भागते हैं। तुमने आज तक कभी ऐसा सुना कि भाई सलमान के आगे सब लोग भागते हैं? तुमने हमेशा यही सुना ना कि पीछे भागते हैं? हाँ, ये तो सुना हाँ, तो है, देखो लेकिन आगे का जो टाइम था ना, मैं देखो आगे का जो टाइम था वो चला गया, हाँ ठीक है। अब ज्यादातर लोगों को है ना, पीछे में ज्यादातर लोगों को अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का, आगे आगे अच्छा नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, मतलब आगे तो पुराना हो गया, मतलब आगे तो सब कुछ, मतलब खजाने लूट गए, अब लोगों को पीछे में ज्यादा इंटरेस्ट है, समझ रही हो? तो बिल्कुल आगे समझ का मत रही सोचो दीदी, पीछे का सोचो, हूँ। अच्छा आगे में कुछ नहीं रखा। अच्छा हाँ,